विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से वरोरा महावितरण कार्यालय परिसर में बिजली बिल की होली जलाकर महावितरण अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। तो आइए नजर डालते हैं इस खबर में। अट्ठाईस जुलाई मंगलवार को बल्लारपुर के पुराने पावर हाउस के महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के सामने विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से बिजली का बिल जलाकर निषेध व्यक्त किया गया और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में नागरिक तथा महिलाएं शामिल हुए। समिति के शिष्टमंडल ने अपने मांगों का निवेदन मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री को विद्युत अभियंता के मार्फत भेजा। इस आंदोलन का नेतृत्व समिति के पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप, जिलाध्यक्ष किशोर पोतनवार, गिरधर सिंह बैस, नितिन भागवत, किशोर दहेकर, अंकुश वाघमारे, गौरव कोटे के साथ में बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। लॉकडाउन काल के दौरान आए हुए विद्युत बिल को माफ करें, 200 यूनिट विद्युत मुफ्त दें के साथ अनेक मांगों का समावेश इस निवेदन में था। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन काळातील विजेचं बिल माफ करावं, कारण या काळात सगळे धंदे, उद्योग, उद्यम, व्यापार, कारोबार सगळे बंद होते, म्हणून काही लोकांकडे उत्पन्न नाही, म्हणून ते कायमचं संपवावं। 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज द्यावी, सर्व ग्राहकांना विजेचे दर निम्मे करावे, कारण विजेचा उत्पादन खर्च एका युनिटचा 2.5 रुपये आहे, पण घरगुती वापरासाठी सरासरी 2.5 रुपये एक 7.5 रुपये युनिट घेतले जाते, उद्योग आणि व्यवसायासाठी 11.5 रुपये घेतले जाते। तरी वीज मंडळ 53,000 कोटीचा संचित घाट्यात असून 38,000 कोटीचं कर्ज आहे, म्हणून यापुढे आम्ही 60 वर्ष सहन केलं, यापुढे आम्ही निम्म्याच्या वर वीज बिल देणार नाही, म्हणून ते बिल निम्मं करावं। गेल्या 3 वर्षात विदर्भामध्ये दुष्काळ आहे, म्हणून विदर्भातील शेतकऱ्यांचं सर्व थकीत शेतीपंपाचं वीज बिल माफ करावं, आपलं लोड शेडिंग संपावं आणि विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य करावं, यासाठी म्हणून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने ही विदर्भभर 120 तालुक्यांमध्ये आंदोलनाची मालिका चालू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज एक बल्लारपूरला हे आंदोलन झालं आणि यासाठी म्हणून या मागण्या आम्ही सतत रेटत राहू। सरकार सरळ मार्गाने सरळ झालं तर ठीक, अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन केलं जाईल।